नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रही हैं एफएम न्यूज। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी की माने तो एक वक्त था जब उन्हें कोई काम नहीं देता था। वे कमर्शियल थिएटर में बैक स्टेज आर्टिस्ट के तौर पर काम करने को मजबूर थे। यह खुलासा उन्होंने कॉमेडियन सौरभ पंत के पोस्ट कार्ड में किया था। दिलीप जोशी ने बताया कि मैंने करियर की शुरुआत कॉमर्शियल स्टेज में बैक स्टेज आर्टिस्ट के तौर पर की थी। कोई मुझे रोल नहीं देता था, मुझे प्रति रोल ₹50 मिला करते थे, लेकिन उस समय थिएटर करने का पैशन था। मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि मुझे बैक स्टेज रोल मिलते थे, बड़े रोल भविष्य में मिल जाएंगे, लेकिन मैं थिएटर से चिपका रहना चाहता था। दिलीप जोशी ने आगे कहा कि स्टेज प्ले किए हुए एक दशक से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था। मैंने 25 साल तक गुजराती थिएटर में काम किया था। मेरा आखिरी प्ले दयाभाई था जो 2007 में पूरा हुआ था। 2008 में मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए रविवार समेत हर दिन 12-12 घंटे शूटिंग शुरू की। थिएटर के लिए आपको अलग तरह का अनुशासन चाहिए। आपके पास वीकेंड के साथ साथ वीकडेज भी शो होते थे, इसलिए थिएटर और टीवी को मैनेज करना काफी मुश्किल हुआ करता था। फिर तारक मेहता की शूटिंग के बाद मैंने थिएटर को बहुत मिस किया।